Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Okay, and this time I am going to discuss with you a very important, relevant and up-to-date topic in education, that is Futurology in Education, or you can say Futurology of Education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode, and it is a topic of general interest as well as for your competitive examinations and your regular courses. Okay, let's start. First of all, what is futurology? Futurology is the study of postulating possible, probable and preferable future and the worldviews and myths that underline them. Matlab, आप कह सकते हैं कि भविष्य का विज्ञान है ना, तो भविष्य का जो विज्ञान है वो अध्ययन है किसका, कि हम पोस्टुलेट कर सके जो पॉसिबल, जो संभव है, जो प्रोबेबल है, जो संभाव्य है और जो प्रेफरेबल है, जो हम चाहते हैं, प्रेफरेंस जिसको देते हैं वो भविष्य, और जो मिथ उसके अंदर चल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, इन सब का अध्ययन है. There is a debate as to whether this discipline is an art or science. ये भी विवाद का विषय रहता है कि ये जो discipline है, futurology is a discipline, तो ये art के अंतर्गत आएगा कि science के अंतर्गत आएगा. तो in general, अगर हम इसको साधारण रूप में देखें तो sorry, it can be considered as a branch under the more general scope of the field of history. हम इसको इतिहास के क्षेत्र के general scope के अंतर्गत पढ़ सकते हैं. फ्यूचरोलॉजी इज बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस, यानी कि ये कला भी है और ये विज्ञान भी है. अगर मतलब फ्यूचरोलॉजी भी कभी कभी कहते हैं, कहीं कहीं फ्यूचरिज्म भी कहते हैं इसको, है ना. तो व्हाट फ्यूचरिज्म इज एन आर्ट, अगर हम इसको कला माने तो इट अटेम्प्ट्स टू डू इज टू एनरिच द रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव टू डिफाइन अ ब्रॉडर अरे ऑफ पॉसिबिलिटीज. अगर हम इसको कला मानते हैं तो ये प्रयास करता है कि जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, जो रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है उसको इनरिच कर सके और जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है उनको डिफाइन कर सके. और अगर हम इसको साइंस मानते हैं, व्हाट फ्यूचरिज्म इज अ साइंस अटेम्प्ट्स टू डू इज टू एक्सप्लोर सिस्टमेटिकली टू डिसीजन पॉइंट्स टू रिलेट इंटरैक्शंस एंड टू डिस्प्ले दोज वर्ल्ड्स ऑफ इट which are made possible or probable from these key decisions. देखिए, साइंस का बेसिक फीचर क्या है, कि हम सिस्टमेटिक होंगे तो हम साइंटिफिक है. तो अगर हम इसको साइंस माने तो ये हमको हेल्प करता है कि जो दो डिसीजन पॉइंट हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चुनना है कि इसको चुनना है, सॉरी हाँ गला खराब है, तो ये सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करने में हमको हेल्प करता है की डिसीजंस में से पॉसिबल प्रोबेबल. तो इस तरह से फ्यूचरोलॉजी है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है. फ्यूचर स्टडीज सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइकली टू कंटिन्यू, व्हाट इज लाइकली टू चेंज एंड व्हाट इज नोबल, यानी कि जो फ्यूचर स्टडीज है, जो फ्यूचरोलॉजी है, वो हमको ये समझने में मदद करती है कि क्या होने वाला, क्या हो रहा है और क्या चेंज पॉसिबल है, क्या नया है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. ठीक है, फिर और क्या है फ्यूचरोलॉजी, सॉरी इट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग और डिजाइनिंग द फ्यूचर. हम ये भी कह सकते हैं, सेरा डेल पिनो ने 1998 में हमको बताया कि फ्यूचरोलॉजी जो है वो फ्यूचर को डिजाइन करने या फोरकास्ट करने की प्रक्रिया है. मतलब हम फ्यूचर को या तो डिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब उसका नमूना हम बना सकते हैं, या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये होने वाला है. एंड फ्यूचरोलॉजी इनकम्पासेस द शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज एंड लॉन्ग रेंज फ्यूचर, और इसके अंतर्गत तुरंत आने वाला भविष्य, निकट भविष्य में क्या होगा, थोड़ी और मिडिल रेंज के भविष्य में क्या होगा और लॉन्ग रेंज फ्यूचर में क्या होगा, ये सब कुछ कवर करती है फ्यूचरोलॉजी. फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इंस्ट्रक्टर्स, नॉट ओनली दोज इन द डिसिप्लिन ऑफ फ्यूचरोलॉजी, बिकॉज इट हेल्प्स एवरीवन लर्न हाउ टू लिव इन ए कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी. देखिए, हम सभी जानते हैं कि चेंज जो है वो एकमात्र शाश्वत सत्य है ना, कि परिवर्तन होना ही है. लेकिन आजकल परिवर्तन कितना तेज है, कितना फास्ट है, तो जरूरी नहीं है कि जो फ्यूचरोलॉजी को पढ़ और पढ़ा रहा है सिर्फ वही इंस्ट्रक्टर, वही टीचर अपनी कक्षा में फ्यूचर की बात करे. सभी डिसिप्लिन के टीचर्स को, सभी को इन जनरल ये तो बात करनी ही होगी ना कि निकट भविष्य में उसके डिसिप्लिन में क्या चीज अपेक्षित है.
तभी तो हम छात्र को निकट भविष्य के लिए, उसके भविष्य के लिए तैयार कर सकेंगे जो कि इतना जटिल है और इतनी तेजी से बदल रहा है। ओके, और यूनेस्को के प्रोफेसर मार्को विलेनियस कहते हैं कि द एम्पावरिंग स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट द फ्यूचर ऑलवेज लाई ओपन अहेड ऑफ अस, इट इज नॉट फिक्स्ड और इनएविटेबल डेस्टिनी। देखिए फ्यूचर है वो फिक्स्ड नहीं है, ना ही वो ऐसा है कि वो लिख दिया गया तो वही होगा। हम उसको बदल सकते हैं, हम उसको आकार दे सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। इट इज अवर ओन एक्शंस एंड डिसीजंस इन द प्रेजेंट दैट शेप हाउ द फ्यूचर विल स्टार्ट अनफोल्डिंग। ये हमारा ही कर्म है, हमारे ही निर्णय है जो ये तय करेंगे कि फ्यूचर क्या आकार लेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसके अलावा इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ फ्यूचर विच इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट फ्यूचरोलॉजिस्ट वेंडल बेल। वेंडल बेल जो कि बहुत बड़े फ्यूचरोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है जो कि क्या इन्वॉल्व करती है, सॉरी, इन्वॉल्व्स क्लेरिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ वैल्यूज एंड गोल्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड इट इंक्लूड्स projections of alternative futures as well as explanations of existing routines of interdependence। मतलब कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, clarification आएंगे, evaluation आएगी, जांच आएगी, मूल्यांकन आएगा नियमों का, goals का, values का। इसके अलावा इसमें क्या trend चल रहा है उसका description आएगा। इसके अलावा इसमें क्या आएगा, अब क्या alternative futures हो सकते हैं उनका projection आएगा। इसके अलावा जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रूटीन है उसमें किसकी किस पर आत्मनिर्भरता है, अंतर्निर्भरता है, उसके एक्सप्लेनेशंस भी आएंगे। किसके अंतर्गत? फ्यूचरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फिर सॉरी, अगर हम ये देखें कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फ्यूचरोलॉजी के, तो तीन मुख्य उद्देश्य आप मान सकते हैं इसके। क्या? टू डेवलप फ्यूचर कॉन्शियसनेस इन पीपल। हम लोगों में ये चेतना जगा सके कि भाई आपको भविष्य के लिए तैयार होना है, भविष्य में ऐसा 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 हो सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए, है ना। मोटिवेट देम टू डेवलप फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियरल स्किल्स इन देम। और हम उनको मोटिवेट करें, उनको अभी प्रेरित करें कि उनके अंतर्गत, उनके अंदर फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स, बिहेवियरल, टेक्निकल, पेडागॉजिकल, जो भी कह सकते हैं आप, कि वो स्किल्स आए, उसका विकास हो। And to help the given society or people in thinking about the various kinds and possibilities of their future. और जो समाज है, जो लोग हैं, उनके चिंतन में हम इस तरीके का, मतलब उनको मदद कर सके कि various kinds and possibilities of their future को सोच सके और उसके लिए तैयार हो। और future भी तीन तरीके का हो सकता है। देखिए हमने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि future के भी तरीके हो सकते हैं। Possible, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा। प्रॉबेबल, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये होगा। और प्रिफर्ड और प्रिफरेबल, हम चाहते हैं कि इस तरह से फ्यूचर अनफोल्ड हो। ठीक। अच्छा, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा की क्या भूमिका होगी फ्यूचरोलॉजी में? द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फ्यूचर सोसाइटी एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इज अनक्वेश्चनेबल। मतलब आप इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि शिक्षा की क्या कोई भूमिका है कि नहीं। निश्चित रूप से है। The first requirement is that the scientific and technological potentialities of a people have to be developed by education. भाई देखिए, ये तो तय है कि टेक्नोलॉजी लेडन है हमारा फ्यूचर, साइंटिफिक है, तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट तो यही है कि हम शिक्षा के द्वारा जनमानस का जो कौशल है, जो पोटेंशियलिटी, जो विभव है उनके अंदर वैज्ञानिक और तकनीकी, उसको हम डेवलप करें, है ना, कम से कम इतना तो करें। और रोल ऑफ एजुकेशन इन द फ्यूचर सोसाइटी विल बी डायनेमिक एंड नॉट लिमिटेड टू वन फील्ड ऑफ स्टडी और ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गतिशील है ये, और ऐसा नहीं है कि जीवन का एक पक्ष है वही, उसी वही गवर्न हो रहा है, सारे पक्ष गवर्न हो रहे हैं। एजुकेटर्स हैव विजुअलाइज्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए जो आपका एनईपी 2020 है वो भी ये कह रहा है कि आप जो एजुकेशन है उसको इंटरडिसिप्लिनरी करिए, मल्टीडिसिप्लिनरी करिए, होलिस्टिक करिए। ये बात हो रही है ना, क्यों? क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड ये पॉलिसी है, ये बता रही है कि निकट भविष्य के लिए हमको कैसे तैयार होना है। एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर कैन नॉट प्ले इट्स रोल इफेक्टिवली इफ इट कन्फाइंस इटसेल्फ ओनली टू मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इग्नोर सेल्फ नॉलेज। वो कह रहे हैं कि जो भविष्य की शिक्षा है वो तब तक अपना रोल अच्छे से नहीं निभा सकती है जब तक वो केवल मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब हमको ये मटेरियल रिक्वायरमेंट हमारे जीवन की है, भौतिक सुख की अगर तरफ सिर्फ देखेंगे और अपने स्व ज्ञान को इग्नोर करेंगे या अपने मनुष्यत्व को इग्नोर करेंगे तो
न्यूमरोलॉजी का कोई महत्व नहीं है। फिर ओईसीडी ने भी एक लर्निंग फ्रेमवर्क दिया है 2030 के लिए। क्या कह रहा है वो? ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ओईसीडी लर्निंग फ्रेमवर्क 2030 क्या कहता है? ये एक विजन, मतलब भविष्य के लिए जब हम देखते हैं तो उसको विजन कहते हैं ना। हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा होगा, इसके लिए हम ऐसा कुछ करें। इन सम अंडरपिनिंग प्रिंसिपल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो फ्यूचर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए इन्होंने कुछ नियम सिद्धांत देखे हैं। क्या कह रहे हैं ये? कि इन द फेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल, आपको पता नहीं है कि कब ये वॉलेटाइल हो जाएगा, कब ये, वैसे ही केमिस्ट्री का टर्म है लेकिन इसके संदर्भ में यूज किया जा रहा है। देखिए वॉलेटाइल अनसर्टेन, अनिश्चित है, कॉम्प्लेक्स, जटिल है एंड एम्बिगुअस, मतलब आपको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, एम्बिग्विटी है, शक की स्थिति है, क्लियर क्लैरिटी नहीं है। एजुकेशन कैन मेक द डिफरेंस, शिक्षा जो है वो अंतर पैदा कर सकती है एज टू वेदर पीपल इम्ब्रेस द चैलेंजेस दे आर कंफ्रंटेड विद और वेदर दे आर डिफीटेड बाय देम। यानी कि ये जो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, अनिश्चित है, जटिल है, शक शुबह से भरा हुआ समाज है, संसार है, उसमें शिक्षा ये अंतर पैदा कर सकती है कि जो चैलेंज मनुष्य को मिलने जा रहा है उसको वो कोप अप कर लेगी, उसके साथ उसे डील कर लेगी या उससे हार जाएंगे वो व्यक्ति, वो समूह, वो जनमानस। एंड इन एन एरा कैरेक्टराइज्ड बाय अ न्यू एक्सप्लोजन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड अ ग्रोइंग अरे ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इट इज एप्रोप्रिएट दैट करिकुला शुड कंटिन्यू टू इवॉल्व Perhaps in radical ways. देखिए ये तो तय है कि साइंटिफिक नॉलेज का एक्सप्लोजन हो गया है, विस्फोट हो गया है, ये ऐसा युग है। ग्रोइंग एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, वैसे वैसे सामाजिक समस्याएं जो पहले कभी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सामाजिक मूल्यों का क्षरण है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करिकुला बनाइए जो जरूर इवॉल्व हो, इवॉल्व होता रहे, बदलता रहे, अपडेटेड होता रहे। जैसे कि 10 साल पुराना करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप ना पढ़ाइए उससे अच्छा, ठीक है। कंटिन्यू टू इवॉल्व, वो इवॉल्व होता रहे और परहैप्स इन रेडिकल वेज, मतलब इस तरीके का जैसे आपने सोचा ना, आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है इसमें करिकुलम में, फिर इक्वली वो ट्रांजैक्ट भी किया जाए, ठीक है। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स एजुकेशन में देखें कि क्या भविष्य की तरफ सोच चल रही है शिक्षा में, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिजिटल नेटिव स्टूडेंट्स, ये बात बहुत आ गई कि जो है डिजिटल एक गैप है ना। इसमें डिजिटल नेटिव्स और डिजिटल इमाइग्रेंट्स में, यानी कि जो जो विद्यार्थी है वो उस युग में पैदा हुआ है जहाँ पे टेक्नोलॉजी थी और जो शिक्षक है वो उसके लिए वो सब नया है, तो जो स्टूडेंट्स है वो डिजिटल नेटिव कहलाते हैं, मतलब वो देशी है इस डिजिटल युग के लिए। और हम यानी कि शिक्षक विदेशी है, उसके लिए प्रवासी है। सॉरी। और एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि नित नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, बात हो गई इसकी, अकाउंटेबिलिटी और असेसमेंट के टूल ऐसे नए नए जो कभी नहीं देखे सुने गए, डिफाइनिंग डिजायरेबल एंड प्रिफर्ड फ्यूचर्स इन एजुकेशन, यानी कि पहले तो हम डिजायरेबल फ्यूचर, मतलब हम चाहते हैं, हमारा वांछित भविष्य है, हमारा प्रिफर्ड भविष्य, हम चाहते हैं कि भविष्य इस तरह से अपने आप को अनफोल्ड करे, तो उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और प्रिडिक्टिंग सोशल एंड कल्चरल डैमेजेस कॉज्ड बाय न्यू एजुकेशनल कंडीशंस, हम उस डैमेज को प्रिडिक्ट कर सकें कि इस तरीके का हमको सामाजिक और सांस्कृतिक नाश हो सकता है, गलती हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, और उसके लिए हम तैयार रहे। एन ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्टेट ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल एंड रिसर्च एक्टिविटीज और रिव्यूइंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटजीज एंड गोल्स, मतलब हमको भविष्य के हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटजी और गोल को रिव्यू करना पड़ेगा, पुनरावलोकन करना पड़ेगा, फिर से देखिए कि क्या कुछ लैग कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट करने की जरूरत है और उस हिसाब से तैयार होइए ताकि उस गोल को पा सके। और क्या है? इंप्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर रिसर्च मेथड्स, फ्यूचर रिसर्च के और मेथड्स हैं। सिविक एजुकेशन इन द एज ऑफ मोबिलिटी, देखिए सिविक सेंस बहुत जरूरी है और उसका समूल नाश हो चुका है समाज से, किसी में सिविक सेंस नहीं है, शिक्षित अशिक्षित, पढ़े लिखे, बड़े छोटे, नोबडी हैज सिविक सेंस। फिर कैरेक्टर एजुकेशन, कैरेक्टर की तो बात ही न की जाए, प्रॉब्लम्स ऑफ मोरालिटी, अपने हिसाब से नियम बदल जाता है ना, बदलता है ना, जबकि मोरालिटी के नियम्स यूनिवर्सल लॉज हैं। ओके, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी, हम टेक्नोलॉजी के संग क्रिएटिव हो, क्रिएटिव होने का जरूरी, देखिए
क्रिएटिव होने के लिए ये जरूरी शर्त है कि सोशली यूजफुल काम करें। अगर हम सोशली डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी का गलत यूज कर रहे हैं, तब हम क्रिएटिव नहीं है। ओके, राइज ऑफ बिग डेटा, बहुत हम लोगों ने आजकल पढ़ सुन लिया है, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, डेटा एनालिटिक्स, डेटा डेटा से ही सब कुछ चल रहा है आज के जमाने में। कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब कि इकोनॉमी के लिए डेटा जरूरी है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, अब देखिए कॉग्निशन न्यूरोसाइंस से जुड़ गया है जाके कि ब्रेन का किस कौन सा हिस्सा किस लर्निंग डिफिकल्टी के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए जरूरी है, कौन से हिस्से में दिक्कत आएगी तो कौन से कॉग्निशन में दिक्कत आएगी, ये सब इंटर रिलेशनशिप इसका ये बड़ा इमर्जिंग फील्ड है एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। द नीड फॉर बोल्ड लीडरशिप इन ट्रबलिंग टाइम्स, कोविड था, कितना हम अपने अपनी सरकारों की तरफ, नेताओं की तरफ देख रहे थे, बोल्ड लीडरशिप की जरूरत है। सक्सेस इन द 21st सेंचुरी, द एजुकेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, हम जानते हैं कि ये जो 3H है इसके बाद गांधी जी कह गए हैं, हमारी 21वीं सदी की सफलता भी इसी में निहित है कि मस्तिष्क का हमारे, मतलब कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, आप कह सकते हैं ना, हेड से हो गया कॉग्निटिव, हार्ट से हो गया इफेक्टिव और हैंड से हो गया साइकोमोटर, यानी कि सारे डायमेंशंस का डेवलपमेंट हो। टीचर्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो भविष्य के शिक्षक हो वो कैसे हो, रीबिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म थ्रू कलेक्टिविज्म। बहुत बात हो रही है कोऑपरेटिव लर्निंग की, आप अकेले अकेले काम नहीं चलेगा, अब हमको कोऑपरेशन से काम करना है, कलेक्टिविज्म से काम करना है और प्रोफेशनलिज्म को रीबिल्ड करना है, स्पेशली इन द फ्यूचर ऑफ इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक फ्रेटर्निटी, है ना। और अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें इसके तो, अच्छा ये वाला मैटर फिर से आ गया, कोई बात नहीं, एक पैरा, देयर इज लिटिल रिसर्च ऑन टीचिंग फ्यूचरोलॉजी। देखिए फ्यूचरोलॉजी पढ़ाने के लिए बहुत कम रिसर्च है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, विच इज सरप्राइजिंग, ये तो मतलब आश्चर्यजनक है। गिवन दैट इंस्ट्रक्टर्स विद अ फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस कंस्ट्रक्टिव होप अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल सोशल प्रॉब्लम्स। जो इतनी नई कॉन्ट्रोवर्शियल सोशल प्रॉब्लम आ रही है, उन सबके लिए हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं, जनमानस को तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं और उनको कंस्ट्रक्टिव होप दे सकते हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, फ्यूचरोलॉजी के थ्रू, रादर देन डिनाइंग प्रॉब्लम्स, या हम अस्वीकार ही कर दें कि कोई समस्या है। और फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इंस्ट्रक्टर्स, नॉट ओनली दोज इन द डिसिप्लिन ऑफ फ्यूचरोलॉजी, बिकॉज इट हेल्प्स एवरीवन लर्न टू हाउ टू लिव इन ए कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी, ना। ये वाला पैरा रिपीटेड है, इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सीलरेटिंग चेंजेस फ्यूचरोलॉजी इनविजन्स एजुकेशन एज अ मींस टू शेप मोर डिजायरेबल फ्यूचर। बात कर दी ना कि फ्यूचर भी पॉसिबल, प्रोबेबल और प्रिफरेबल है, तो जो हमारा प्रिफरेबल फ्यूचर है, जो हमारा डिजायरेबल फ्यूचर है, उसको हम शिक्षा के तहत ही पा सकते हैं। We aspire to empower teachers and young people to develop 21st century skills and become lifelong learners. इस तरह से टीचर्स और यंग पीपल को एम्पावर करना है, उसकी इच्छा भरनी है उनमें कि वो अपने अंदर 21वीं सदी के जो स्किल्स है, जो कौशल है, उनको विकसित कर सके और लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सके। और कंक्लूजन इसका क्या कह सकते हैं कि नीडलेस टू स्ट्रेस दैट सिंस रैपिड सोशल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, इट हैज नाउ बिकम एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन इन एवरी कंट्री टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर्स वेरी सीरियसली एंड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर शॉक दैट लाइज अहेड। फ्यूचर शॉक का जो शब्द है वो एल्विन टॉफलर ने अपनी किताब में इस्तेमाल किया है, और वो कहते हैं कि इसकी ये आवश्यकता नहीं है इस बात की कि हम ये बताएं कि सोशल चेंजेस कितने रैपिड हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितने रैपिड हैं, पूरे संसार में हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए जरूरी है कि वो अपने फ्यूचर को सीरियसली सोचे, सोचना शुरू करे और उसके लिए खुद को तैयार करे, ताकि हम उस फ्यूचर शॉक से बच जाए जो हमको कोविड में लग गया। हम बिल्कुल ऑनलाइन दुनिया के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि दुनिया में ऑनलाइन चीज़ें थी, चल रहा था, लेकिन हम नहीं तैयार थे उसके लिए। अगर हम उसके लिए पहले से तैयार होते तो हमको वो फ्यूचर शॉक ना लगता जो हमको कोविड ने दिया। ओके और जो ग्रेट अमेरिकन फ्यूचरोलॉजिस्ट अल्विन टॉफलर ये पॉइंट आउट करते हैं कि टू सर्वाइव, टू अवॉइड व्हाट वी हैव टर्म फ्यूचर शॉक, द इंडिविजुअल मस्ट बिकम इनडेफिनेटली मोर अडेप्टेबल एंड केपेबल देन एवर बिफोर। यानी कि जो व्यक्ति है उसको अनिश्चित, मतलब इनडेफिनेटली उसको तैयार रहना है, अडेप्टेबल होना है, अनुकूलित होना है, केपेबल होना है, मतलब जैसे आज तक हम थे उससे काम नहीं चलेगा, उससे बहुत बहुत ज्यादा हमको अपडेट होना है। He must search out totally new ways to anchor himself
for all the old roots, religion, nation, community, family or profession are now shaking under the hurricane impact of the accelerative thrust. जो एक्सेलरेटिव थ्रस्ट है, जिसका हरिकेन जैसा इम्पैक्ट है, मतलब सुनामी तूफान जैसा जिसका प्रभाव है, जिससे हमारा जड़ें हमारी हिली जा रही है, धर्म की, राष्ट्र की, समुदाय की, परिवार की, हमारे प्रोफेशन की, उस शॉक से बचने के लिए हमको इनडेफिनेटली मोर अडेप्टेबल और केपेबल बनना है. ठीक है, सो थैंक यू ऑल. बहुत शोर होने लगा तो मैं ये वीडियो भी खत्म हो गया. Thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explorers. See you next time.